हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल एल्युमिनियम हट में स्वागत है। आज हम देखेंगे कि एक जो रोशनदान है वो कैसे बनाते हैं। हमने 24 इंच बाय 15 इंच का रोशनदान बनाना है। एक साइड हमने शीशा लगाना है और एक साइड हमने जाली लगानी है। इसको हम देखेंगे कि कैसे हमने माल काटना है और कैसे जोड़ना है। इस साइड तो हमने शीशा है, इस साइड जाली लगानी है। ये जाली वाला हमारी साइड आ गई। इस तरह से हमने पहले दो पीस ले लेने हैं। इसके ऊपर नीचे वाले 24 इंच के हमने दो पीस काट लेने हैं, 2.5 इंच बाई 1.5 इंच के। और तीन पीस हमने ये लेने हैं साइड वाले, 15 इंच से हमने 1.5 इंच ऊपर 1.5 इंच नीचे जो काट लेना है। इस तरह से 12 इंच के हमने दो पीस ले लेने हैं, तीन पीस हमने ये ले लेने हैं। ये माल हमने पहले काट लिया है ताकि जो हमारी वीडियो है ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए हमने ये आपको डायग्राम बनाकर दिखाया है। ये दो पीस और ये तीन पीस, ये आपने याद रखना है। हमने ये टोटल 5 पीस लेनी है। इस तरह से हम देखेंगे आगे जो कैसे हमने इसको जोड़ना है। सबसे पहले हम जो फिटिंग एंगल है वो उसको काट लेंगे। ये हमने 2.5 इंच जो हमारी लेंथ है उसके हिसाब से काट लेना है। फिर हम इसको जोड़ेंगे। जो हमारी ऊपर नीचे वाली लेंथ है उसमें हमने ये जो है जोड़ लगाना है। इस तरह से हमने एंगल फिट कर लेने हैं, 3 पीस ऊपर 3 नीचे। ये हमारा 1.5 इंच का एंगल है। इस तरह से हमने 0.5 इंच के स्क्रू लिया है, 13/8 के स्क्रू बोलते हैं इसको। आप जो मर्जी ले सकते हो, जो आपको पसंद है वो लगा लेना। इस तरह से हम ये निशान लगाते हैं इसका, एंगल लगाने का। अगर आपको किसी को नहीं पता तो ये देख लो। इस तरह से निशान लगाकर हमने जो निशान के पीछे पीछे एंगल लगा लेनी है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो हमारी आगे आने वाली वीडियो है वो आप देख सकें। इसी तरह से हमने जो 6 पीस एंगल के वो लगा लेने हैं, एक साइड, दोनों साइड पर एक एक और बीच में एक। इस तरह लगा लिए हमने। जो हमने एंगल लगाया वो 18 इंच का इधर इस साइड लगाया। इस तरह से हमने इसको जोड़ देना है। ये हम प्रॉपर तान दिखा रहे हैं। जो हमारे नए हैं दोस्त वो पूरी तरह से देख लें और थोड़ा काट काट कर भी वीडियो बना रहे हैं ताकि जो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। इस तरह से हमने ये चौरस 2 खानों वाला वो बना लिया है। ये आपने ध्यान रखना है जो साइड वाली है वो बराबर होनी चाहिए ताकि दिखने में भी अच्छा लगे और काम भी आपका बढ़िया हो। इस तरह से हमने चारों साइड इसको पक्का कर लेना है। ये देखो हमने जो किया है वो पूरा बराबर है, किसी साइड ज़्यादा नहीं, किसी साइड कम नहीं। ये हमारा बन गया। अब हम इसमें
जाली लगाएंगे। जाली कैसे लगानी है वो आप देख लेंगे। पहले हमने एक साइड जो हमारा यू होता है आपको मालूम है आधी इंची का यू, वो लगाना है चारों साइड। इस तरह से हमने जो यू है वो चारों साइड इसमें लगाना है। बीच में मैं चारों साइड इसको लगा लिया। ये आसान तरीका है जाली लगाने का। आप यू भी लगा सकते हो और आधी आधी का स्केयर भी लगा सकते हो, जो आपको ठीक लगे वो लगा लो। इस तरह से यू में हमने 1.5 इंची के स्क्रू लगाए हैं, 19-8 के स्क्रू वो लगाए हैं। अब हम इसमें जाली लगाएंगे। जाली हमने पहले काट ली। इस तरह से आप जाली कस लेना चारों साइड जो है हमने पेच इसके लगाने हैं जाली के। जाली आपका जो है पूरा कसा होना चाहिए। अब हम दूसरी साइड शीशा डालना है, इसलिए हम इसमें जो क्लिप है वो लगाएंगे। कई लोग इसको गोला भी बोलते हैं। इसकी हम कलम काटेंगे। ये हमारा बनाया है एक अपना कलम काटने का। इस तरह से ये प्रॉपर पूरी कलम काट कर हमने ये तैयार कर लिया है। इस तरह से हमने ये तैयार कर लिया। ओके दोस्तों, थैंक्स वीडियो देखने के लिए, बहुत धन्यवाद।